ആദ്യം ദാന വരുമെന്ന് സിക്കാമി ധമ്മപദ് ഗാഥ കഥ നമ്പർ 125 കോക്ക് സുനക് ലുദ്ദക് കി ഈ കഥാനി ഹൈ കഥ ഹൈ कोक सुनक माने जो होता है वो कुत्ता होता है पाली में, और लुद्दक माने होता है शिकार करने वाला, जो जंगल में जानवरों को मार के लाता है, उससे अपनी आजीविका चलाता है। ये जो कोक सुनक लुद्दक है, ये अपना शिकार कुत्तों के जरिए करता है, कुत्तों के द्वारा करता है। इसने कुत्ते ट्रेंड किए हुए हैं, सिखाए हुए हैं, कुत्तों का झुंड ये पालता है, जंगल में लेकर उनको जाता है और कुत्तों को शिकार के पीछे लगाता है। कुत्ते शिकार को घेर लेते हैं और ये शिकार को मार लेता है या कुत्ते मार देते हैं। ये बहुत पुरानी टेक्निक है पूरी दुनिया की, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे पहले जो मनुष्य और आदमी का जिसने साथ दिया और जो पालतू बना वो कुत्ता ही है। बेसिकली ये भेड़िए हैं जो कुत्ते की नस्ल में पालतू बन चुके हैं। तो ये जो कोक सुनक है, ये जब सुबह सुबह जाता है गांव से निकल के, तो देखता है उधर से एक भिक्कू आ रहे हैं। भिक्कू अपने जो धम्मचर्या है उसके लिए जा रहे हैं, धम्मचर्या करेंगे तो पिंड दान भी होगा, कुछ खाना भी मिलेगा, दोनों काम हो जाते हैं। और इधर ये भी अपने पिंडचर्या के लिए यानी आहार के लिए जो कोक सुनक लुद्दक है ये जा रहा है। हुआ ये कि उस दिन कोक सुनक लुद्दक को, शिकारी को, कोई भी जानवर मिला नहीं और वो खाली रहा। इधर भंते अपना धम्म सिखाकर, धम्म की चर्या कर अपना पिंड लेकर वापस आ रहे हैं, उधर वो खाली हाथ आ रहा है। जब वो खाली हाथ उधर से आता है और भिक्कू को देखता है, तो उसे सुबह की घटना याद आती है और उसके दिमाग में ये आता है कि मैंने इस भिक्कू का चेहरा देखा, ये भिक्कू मुझे सुबह सुबह गाँव के बाहर मिला, इसकी वजह से मुझे शिकार नहीं मिला, ऐसा सोचता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं जब असफल होते हैं, तो अपनी असफलता का ठीकरा अपने किसी कारण को ना देके किसी बाह्य कारण को ढूंढते हैं और देते हैं, मतलब बाहर अपना गुस्सा निकालते हैं, बाहर अपना कारण ढूंढते हैं, अंदर नहीं देखते कि उनमें क्या कमी है, क्या बात रही, क्या सरकमस्टांसेस हैं, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। तो उसने क्या किया कि अपने कुत्तों को आदेश दिया कि भिक्कू के पीछे लग जाओ और भिक्कू को मारो और भिक्कू को फाड़ दो। जब कुत्ते भिक्कू की तरफ लपके, तो भिक्कू ने जान बचाने के लिए जो पास में पेड़ था उस पेड़ पे चढ़ाई शुरू की और चढ़ना शुरू किया। चढ़ते चढ़ते, क्योंकि भिक्कू का जो चीवर है उसमें कहीं कोई बटन वगटन तो होते नहीं उस समय, वो ऐसे ही चादर होती है, लिपटी हुई होती है। तो चढ़ते समय जब भिक्कू ने अपनी जान बचाई, तो चीवर के जितनी भी बल और बट थे वो सारी अटन खुल गई। और उधर वो जो कोक है सुनक लुद्दक, वो पेड़ के नीचे आ गया और भंते के ऊपर डंडे से और तीरों से वार करने की कोशिश करने लगा। जब उसके नीचे आ गया तो भंते का चीवर खुला और चीवर चादर खुलकर काफी बड़ी होती है, और वो उस लुद्दक के ऊपर, कोक के ऊपर गिर पड़ी और उसने उस लुद्दक को पूरा ढक लिया। अब कुत्ते तो आज के समय खोज हो चुकी है कि स्मेल से, जो उसकी सुगंध उससे चलते हैं, उन्होंने देखा कि चादर में भिक्कू की स्मेल है, तो चादर में भिक्कू भी है और वो चादर पे झपट पड़े पूरा पूरा झुंड, और उन्होंने जो कोक सुनक था उसी को चबा डाला, उसी को खा डाला, वो देख नहीं पाए और चादर में दांत गाड़ गाड़ के उसको अच्छा घायल कर दिया, और इतना घायल कर दिया कि वो मर गया। जब वो मरा और चादर को कुत्तों ने फाड़ा, तो देखा ये तो उनका जो कोक मालिक है वो है, और वो डर के मारे, क्योंकि कोक मालिक पे हमला हो गया, कुत्तों का जो नियम था वो बदल गया, कुत्ते डर के मारे भाग गए। उधर भिक्कू अपनी जान बचा के नीचे उतरे, उन्होंने जो फटी हुई चादर, जो चीवर था वो वहाँ से लिया, थोड़ा कुछ उन्होंने बांधा, थोड़ा कुछ वहाँ समेटा, और वो बिहार में पहुंचे और भगवान बुद्ध को सारी बात बताई जो घटना घटी। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा, ये बात कही, गाथा नंबर 125 इस प्रकार है। यो अप दुट्ठस्य नरस्य दुस्सति सुदस्य पोषस्य अनंगणस्य तमेव बालं पच्चेति पापं सुखुमो रजो पटी वातंग वै खित्तो।
यो ए पदुठस्से, ए पदुठस्से का मतलब है जो दुष्ट माने होता है, जो दुष्ट होता है, और पदु माने होता है पूरी तरह से दुष्ट होना, और ए पदु का मतलब है जो दुष्ट नहीं है, यानी कि जो निरअपराध है, जो सज्जन है, यानी कि जो सज्जन है नरस्य, जो व्यक्ति है, यानी जो व्यक्ति सज्जन है, दुस्सति, दुस्सति का मतलब उस पर दोष आरोपित करता है, यानी कोई सज्जन व्यक्ति है उस पर दोष आरोपित करता है। सुदस्य पोषस्य अनंगड़स्य, सुदस्य का मतलब है जो शुद्ध है बिल्कुल, यानी निर्मल है। पोषस्य का मतलब है जो पोषता है। अनंगड़स्य का मतलब है जो वीतरागी है, जिसमें राग द्वेष नहीं है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे पे दोष आरोपित करता है जो बिल्कुल शुद्ध है, जिसपे वीतराग है, ना उसमें राग है ना द्वेष है, जो पोषण करता है और जो बिल्कुल निर्दोष है, तो क्या होता है? तमे बालंग पच्चेती पापंग। तमे माने तब ऐसे ही, यानी तब ही वह ही, बालंग पच्चेती पापंग, बाल माने मूर्ख को, यानी जो मूर्ख है व्यक्ति है वो, पच्चेती पापंग अपने पाप को बढ़ाता है, यानी पाप उसी के ऊपर आता है। सुखुमो रजो पटी वातंग वै खित्तो। सुखुमो रजो, सुखु माने सूक्ष्म, सुखम जो बोलते हैं वो सूक्ष्म बोलते हैं। सुखुमो रजो जो होता है, रज कण बोलते हैं ना जिसको, धूल के छोटे छोटे बहुत बारीक कण, यानी जैसे धूल के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, पटीवात, पटीमात का मतलब प्रति हवा, हवा के रुख के विरुद्ध में अगर कोई धूल को उड़ाएगा तो क्या होगा, वो खित्तो होगी, यानी कि गिरेगी उसी के ऊपर। मतलब जैसे कोई अगर हवा के विपरीत में धूल को उड़ाता है तो उसी के मुंह पे गिरती है, वैसे ही अगर कोई किसी सज्जन के ऊपर, किसी शुद्ध व्यक्ति के ऊपर, किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसमें राग द्वेष नहीं है, जो पोषण करता है, लोगों को सिखाता है, अगर ऐसे व्यक्ति पे कोई दोष आरोपित करता है तो वो उसी के ऊपर आते हैं। जैसे जो लुद्धक शिकारी था, लुद्धक शिकारी ने भिक्खु के ऊपर हमला किया और वो खुद ही मारा गया। इसी प्रकार जितने भी सज्जन व्यक्ति होते हैं, क्योंकि सज्जन व्यक्तियों के पास में कोई भी झगड़े का कारण नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर झगड़ा करता है तो सज्जन व्यक्ति के पक्ष में सारी बातें आती हैं, देर सवेर निकल आती हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि तीन बातें कभी नहीं छुपती, एक चांद, एक सूरज और एक सच्चाई। इसलिए अगर कहीं कोई झूठ बोल के या कोई हेराफेरी से या 420 से कोई किसी को फंसाता है, या कोई किसी पर आरोप लगाता है, या कोई दोष लगाता है, या निंदा करता है, या बेइज्जती करता है, या लूटता है, तो कुछ समय बाद लोगों को पता चल जाता है कि जिस पे आरोप लगाए थे वो व्यक्ति तो ठीक है, और जिसने आरोप लगाए थे वही व्यक्ति गंदा है, क्योंकि उसने सही व्यक्ति पे आरोप लगाए। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.
धम्मं शरणं गच्छामि। संगं शरणं गच्छामि। कामेश निचटार वेर्मनि सिक्खापदिं स्मादियामि। कामेश निचटार वेर्मनि सिक्खापदिं स्मादियामि।